हल्द्वानी में सराफा कारोबारी पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोलीकांड के मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी को रामपुर रोड स्थित बेल बाबा के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने अवैध देसी तमंचा सहित एक मोबाइल फोन और एक बाइक जब्त किए। गोलीकांड का खुलासा करते हुए SP क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि सराफा कारोबारी मनोज अधिकारी का राजीव वर्मा के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। वहीं मनोज अधिकारी की नौकरी चली गई थी, इसके चलते उसे काफ़ी नुकसान हुआ था। वह अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए सराफा कारोबारी राजीव वर्मा से पैसे मांगने लगा, लेकिन राजीव वर्मा ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मनोज अधिकारी ने राजीव को धमकी दी और आखिर में राजीव के ऊपर मनोज अधिकारी ने दूसरे बदमाशों के साथ मिलकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और वे फरार हो गए। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी समेत दो बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में फरार एक आरोपी जिम्मी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फायरिंग का आरोपी मुख्य अभियुक्त मनोज अधिकारी, जिस पर कि नैनीताल पुलिस के द्वारा 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कई टीमें इसमें लगी हुई थी। इसको आज बेल बाबा के पास से गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो घटना का कारण इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इसकी कोई पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण ये इसको बार बार धमकी दे रहा था, और चूंकि एक पहले की एक FIR थी जिसमें ये जेल गया था और उसको सेटल करने के लिए भी इसने पैसे की इससे मांग की थी। पुलिस की कई टीमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल तक गई और उसके बाद आज इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।